हेलो गाइस। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताता हूँ गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि गाइस टाइम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा काम होते हैं जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सका। पर आज यहाँ पर मेरे पास एक पेप्सी और यहाँ पर मेरे पास माउंटेन ड्यू है। आप सब लोगों को पता है कि जब हम मेंटोस को कोका कोला के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर से एक बड़ा सा फाउंटेन निकल के बाहर आता है, जबकि हमें ऐसा नहीं पता कि पेप्सी के अंदर ऐसा होता है या नहीं और माउंटेन ड्यू के भी अंदर ऐसा होता है कि नहीं। तो इसी चीज़ को ट्राई करने लगे गाइस, आज हम टेस्ट करने वाले हैं इस मेंटोस को इन दोनों के अंदर, देखते हैं कि कोका कोला की तरह इनके अंदर से भी फाउंटेन निकलता है कि नहीं, क्या माउंटेन ड्यू के अंदर से बहुत बड़ा फाउंटेन निकलेगा या पेप्सी के अंदर से निकलेगा, जबकि कोका कोला के अंदर तो आप लोगों ने देखा ही है कैसे उसके अंदर से फाउंटेन निकला। तो गाइस चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हम ट्राई करते हैं इस पेप्सी को। गाइस यहाँ पर जो था मेरे पास मेंटोस में से ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह, और इसके अंदर यहाँ पर गाइस जो सी बबल्स होती हैं ऐसे बबल टाइप की एक चीज़ है, और यहाँ पर ये जो सी मेरे पास है ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा है गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और गाइस ये खाने में इतनी मज़े की होती है ना, मैं आपको एक मिनट खा के बताता हूँ। ये जो सा है ना ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा गाइस मज़े का। और यहाँ पर गाइस अब मैं गाइस इस जो सी पेप्सी को इसे ओपन करता हूँ आप लोगों के सामने गाइस, यहाँ पर मैं इसे ओपन करने लगा हूँ, अभी ओपन करता हूँ यार। राइट गाइस यहाँ पर दोनों बोतलें जो सी ओपन हो चुकी हैं। अब गाइस बारी है इनके अंदर मेंटोस डालने की। गाइस देखते हैं कि सबसे पहले गाइस मैं कहता हूँ कि इसके अंदर ये दोनों मेंटोस डालते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या रिएक्शन आता है। सबसे पहले इसी यहाँ पर जो सी पेप्सी है गाइस इसे मैं यहाँ से ओपन करता हूँ गाइस, और गाइस अब भी इसके अंदर में ये तीनों मिनट और डाल देता हूँ गाइस। और गाइस देखें यहाँ पर आप लोग देखें आराम आराम से जो चाय इसके अंदर है वो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आ रहे हैं, पर यहाँ पर कोई असर नहीं हो रहा जैसा कि कोका कोला के अंदर होता है, और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर जो सी गाइस यहाँ पर माउंटेन ड्यू है इसके अंदर अभी मैं डालता हूँ गाइस इन दोनों को। तो गाइस यहाँ पर देखें इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रही हैं, और यहाँ पर देखें इसके अंदर से छोटे छोटे भी बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, और जैसा कि कोका कोला के अंदर होता था इसके अंदर वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। अभी मैं इसे ऐसे कर करूँ तो गाइस फिर यहाँ पर ये देखूंगा। जैसा कि कोका कोला के अंदर होता है वैसा इन दोनों के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता, इसके भी अंदर भी ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि कोका कोला के अंदर गाइस बहुत बड़ा फाउंटेन ओपन होता है अगर बोतल बड़ी हो। यहाँ पर मेरे पास बोतल भी छोटी थी गाइस, मैंने सोचा था कि एक्सपेरिमेंट कुछ अच्छा सा हो जाएगा, पर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर मेरे पैसे ही जाए। पर गाइस आप लोगों को ये पता चल गया कि गाइस इसके अंदर ब्रिटिश के अंदर ये छोटी बोटल्स के अंदर इस मेंटोस की मदद से फाउंटेन हम क्रिएट नहीं कर सकते, जबकि अगर आपके पास इसकी अमाउंट ज़्यादा हो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो तब शायद ऐसा हो सकता है। तो यकीनन अगर फ्यूचर में मेरे पास पैसे हुए तो मैं इसे दोबारा ट्राई करके आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। गाइस मैंने अपनी पूरी कोशिश की और आप काम आप लोगों का है, और कल मिलते हैं गाइस, अल्लाह हाफिज़।